Bombs will fall from the sky, unable to break the faith we have. They will look obliviously at heavens, searching for meanings and answers to this chaos. Still, at least, we're standing. Our faith cannot fade away now. Have to keep its bald flame burning, for that is our only hope, or these bombshells will break us all. We didn't grow up to see this blood, nor were willing to see it more. We have to stand, change history, realize our worth, and make our faith. Let the forces shatter all the glass there is, and we'll together sweep it off. We're proud of every scratch and of every blood we drip. They want to burn our homes? We swear to God, we will not move an inch. Oh, you cruel people, look me in the eyes. Say you are not one of us. We certainly don't recognize you. You don't kill our sons and daughters blindfolded and laugh at mothers who lose their only support. Say you are not one of us who bomb us at our very homes. What are you made of? New-blooded and ruthless, you will never become one of us. We have the backing of God and the flame of Iqbal. We have hope and we can only fear. The storm is fierce and we are all well prepared. The heavens will witness what they never saw. Oh Lord, keep our hope in you and shower us with your blessings. We are on our way to save Jinnah's Pakistan. Ladies and gentlemen, this is the Youth of Pakistan and I am Ali Khan. I welcome you all today to the Pakistan's first exclusive discussion on the youth of Pakistan. Hamari qaum ke woh naujawan jis Pakistan ki taqat hai, iski jaan hai, aur is mulk ki khidmat mein sabse aage aur pesh pesh hai. Ye woh dimag hai jiske liye is mulk ke ustadon ne bahut mehnat ki. Ye woh ikhlaq hai jisko इस कौम में डालने के लिए हमारी माओ ने बहुत मेहनत की. सामेईन, pakistanfirst.com की ये एक्सक्लूसिव डिस्कशन और आने वाले अगले तीन शोज आपको पाकिस्तान की यूथ नौजवान से मिलवाएंगे. सामेईन, आज के शो में आपने जिन साहिबा की आवाज सुनी उनसे मैं आपका तारुफ जरूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के इस शो करने का मकसद बताता चलूं. पाकिस्तान फर्स्ट के एडिटर्स शो में हमने पॉलिटिशियन से बात की, हमने फॉर्मर जनरल से बात की, हमने बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स के हेड से बात की. यूथ ऑफ पाकिस्तान, जो इस मुल्क की 160 मिलियन अवाम में से 100 मिलियन गिना जाता है, ये वो हिस्सा है जो इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ेगा, इस मुल्क को आगे लेकर चलेगा और कायदे आजम के मुताबिक इस मुल्क को द ग्रेटेस्ट नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बनाएगा. क्या हमारी यूथ आज इस वक्त इतनी मायूस हो चुकी है कि वो जिनाज के पाकिस्तान को वापस नहीं ला सकती? क्या हमारी ये यूथ, ये नौजवान इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब उन्हें पाकिस्तान की कोई उम्मीद नजर नहीं आती? क्या ये अल्लामा इकबाल के वो नौजवान हैं जिनकी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी? सामीन, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू प्रेजेंट यू द यूथ ऑफ पाकिस्तान सीरीज एंड द फर्स्ट शो स्टार्ट्स टुडे. अस्सलाम वालेकुम ज़रीन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र. ओके, मैंने आपका इतना अब्रप्ट इंट्रोडक्शन कराने की वजह ये थी क्योंकि आपकी आवाज तो हमारे सामीन पहले से सुन चुके हैं और जो सबसे बेहतरीन बात आपने इस स्टैंड आपकी जो पोइम थी उसके आखिरी स्टैंजा था. मैं आपसे एक दफा गुजारिश करूंगा कि वो आखिरी स्टैंजा दोबारा पढ़िएगा, जो आखिरी अशार थे आपके अंग्रेजी जो पोइम के थे उसे एक दफा दोबारा पढ़िएगा ताकि उसके ऊपर फिर उधर से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इंशाल्लाह विल गो फॉरवर्ड. ओके, यू ब्लडेड एंड रूथलेस, यू विल नेवर बिकम वन ऑफ अस. यू हैव द बैकिंग ऑफ गॉड एंड द फ्लेम ऑफ इकबाल. यू हैव होप एंड यू कैन ओनली फेयर. द स्टॉर्म इज फेयर्स एंड वी आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड. The heavens will witness what they never saw. O Lord, keep our hope in you and shower us with your blessings. We are on our way to save Jinnah's Pakistan. Jinnah's Pakistan. Zareen, I you know, I'm very excited today. मैं आपसे आपके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू आज हमने पूरे शो में करनी है, लेकिन मैं आप सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि आखिरी स्टंजा आपने क्या सोच के लिखा? The last stanza, ये सोच के लिखा कि we all have to unite.
हमें एक साथ काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए. अभी इट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो पाकिस्तान हमें आगे लाना होगा जो जिनान ने जिसका ख्वाब देखा था, जो इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था. इसलिए हम शायद उस रास्ते से बहुत ज्यादा भटक गए हैं, और उस वजह से एक यूनिटी दिखाने के लिए कि वी आर प्रिपेयर्ड बट वी नीड अ चांस. Well, I think, Zareen, this is the best message people of Pakistan need. Sameen, main aapko batata chalun. Zareen Zubair is to be a journalist. She is a mass comm student. Zareen is a very intelligent lady. In ke baare mein introduction, main aapko kahan se karane shuru karu. She, at a very young age, she published her first book of poetry. And Zareen, uska naam batayega, please. Beyond Ecstasy. Beyond Ecstasy. It's a very good book. It's a compilation of her old poems, and it's a very nice book. But I would ask you to buy it and read it, because iski wajah ye hai ki Pakistan ki jo youth hai, wo jo unke khayalat hain, jo unki soch hai, jo bachpan se aur phir jab banda bada hota hai aur wo Pakistan mein environment ko dekhta hai aur uske baad uski apni ek soch hoti hai, uski apni zindagi mein mushkilat hoti hain, uske apne ek inspirations hoti hain, usko samajhne ke liye Pakistan mein aisi kitab, it's a gem. Zareen ke bare mein aapko ye bhi batata chalu ke she won FLP's voice first ever national competition this year. The topic was bombs in my backyard, yet hope in my heart. Or that was in collaboration with the Green Kaleidoscope, and that's where I actually read her poem. And when I saw that this is a beautiful thing, I thought it gave me a strike idea. कि यार पाकिस्तान की youth के ऊपर एक discussion होनी चाहिए, पाकिस्तान की youth के बारे में बात होनी चाहिए. और मैं आपको ये भी आज बताता चलूँ कि पाकिस्तान first, पाकिस्तान की youth के लिए जो इंटरनेट सैवी है, जो इंटरनेट को कुछ किसी हद तक जानती भी होगी, और जो के कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, हम आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज लेकर आ रहे हैं. और सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान की यूथ के लिए हम इस दफा लेकर आ रहे हैं, दिस इज फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाइव ऑनलाइन इंटरनेट स्टेशन विच इज गोइंग टू बी ब्रॉडकास्ट 24 आवर्स अ डे. उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन हमारी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी. Or you will get more details on that, but I thought I should give this details out to you. Let's go to Zareen and the youth of Pakistan now. Zareen, ye batayega, why did you start writing and how did you start writing? Well, I was very young when I started writing, and ek sensitiveness thi, एक इमोशंस जाहिर करने का एक अंदाज होता है राइटिंग में. सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, फॉर सम रीजन इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी. और बस लिखते लिखते जितना ज्यादा लिखते हो आपको और लिखने का दिल करता है. क्लास 7th में मैंने रफली लिखना शुरू किया था, एंड बाय द टाइम ऑफ ओ लेवल्स मुझे पता चला कि दिस इज माय स्ट्रेंथ, आई वांट टू परस्यू समथिंग इन राइटिंग. एंड फिर पोएम्स, प्रोज, पोएट्री सब कुछ होता गया. फिर एसएससी में काफी पॉइंट्स लिखी, बैचलर्स में काफी पॉइंट्स लिखी. आई रोट टू आर्टिकल्स फॉर द ग्रीन कैलेडोस्कोप एज वेल, और मेरे आर्टिकल्स सोशल डेवलपमेंट रिव्यू में अभी आ चुके हैं. एंड बाय द एंड ऑफ माय बैचलर्स आई रियलाइज्ड के आई कंपाइल्ड अ लॉट ऑफ पोएम्स एंड आई वांटेड देम टू गेट पब्लिश्ड. फिर आई गॉट माय बुक पब्लिश्ड इन द ईयर 2007. एंड बस नाउ दैट आई एम इन मैथ कम्युनिकेशन, इट्स लाइक